और कैसे पाकिस्तान वालों, दूसरे T20 में भी हमने आपको रौंद डाला, आप क्या लगा आपको कि 131 का टारगेट पूरा नहीं होगा? कैसे फिर हमारे बल्लेबाजों ने मजे ले लेकर पूरा किया, आखिर में नबी और नजीबुल्ला जरदान ने? अबे बस कर अफगानिस्तान वालों, पता नहीं यूई की पिच को क्या हो गया, हमारा कोई बल्लेबाज नहीं चल रहा। कल तो भैया सैम अय्यूब भी शून्य पर गया, अब्दुल्ला शफीक दूसरी बार गया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज हम सब कसर निकालेंगे, तीसरे T20 मैच में ऐसा ठोकेंगे। अबे बस कर शदाब खान के बच्चे, तुम्हारा इतना बेइज्जती हो गया, तुम में तो शर्म नाम का चीज नहीं है। हमारा सलाह है तुम हमसे नहीं खेलो भैया, कल तो मैं आउट हो गया, उससे पहले उस्मान गनी, वरना आपको 10 विकेटों से ठोकना था, फिर भी 7 विकेटों से ठोका, इतना बेइज्जती तुम्हारा। हाँ पाकिस्तान वालों, फिर मैं भी आउट हो गया, वरना हमने ठोक डालना था, आखिर में नजीबुल नबी ने ठोक डाला। लेकिन तुम टेंशन मत लो रिमान भैया, अभी तो इनकी बेइज्जती कुछ भी नहीं हुई है, बेइज्जती तो आज होगी जब तीसरा मैच भी इनको ठोकेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे इनको। अबे बस करो ससुरी वालों, कल मैं शून्य पर आउट हो गया था, आज मैं बताऊंगा शतक ठोकूंगा, कल वसीम भैया अकेला चला, थोड़ा सा शताब खान चला, आज मैं भी चलूंगा, अब्दुल्ला शफीक भी आपको ठोकेगा, फिर आज देंगे हम आपको 300 का टारगेट, फिर आपकी नानी याद आएगी। हाँ सैम भैया, रोज रोज हम शून्य पर थोड़ी आउट होंगे, आज तो हम शतक लगाएंगे, तुम भी लगाना, वसीम भी लगाएगा, शताब भी 50 ठोकेगा, 400-500 का टारगेट देंगे, फिर इनको पता चलेगा हमारी पावर का। अबे बस करो ससुरी वालों, रात मैंने 2 विकेट ली मैन ऑफ द मैच बना, आज मैं 4-5 विकेट लूंगा और तुम्हारी टीम को 50 रन भी नहीं बनाने देंगे, आज हम आपको 10 विकेटों से ठोकेंगे, इतना बेइज्जती होगा, आप मुंह छुपाते फिरते रहोगे, नहीं छुपेगा। अबे बस कर फारूकी के बच्चे, रात तो तेरे को 2 विकेट मिल गई, आज एक भी विकेट नसीब नहीं होता, आज हमारे बल्लेबाज लंबे लंबे छक्के और मैं भी मारूंगा, गेंद कभी पाकिस्तान जाएगी तो कभी अफगानिस्तान जाएगी, तुम्हारे तमाशाइयों को हाल बता के आएगी तुम्हारा। अबे बस करो खामखा लंबी लंबी मत छोड़ो, आपसे कुछ भी नहीं होगा शहदा भाई, अपने प्लेयरों को समझा ले, वरना आज का मैच भी हम जीत के क्लीन स्लीप आपको ठोकेंगे, बहुत बेइज्जती होगा। अच्छा इसी में हमसे तमीज से बात करो, वरना बहुत पछताओगे। अबे ससुर का नाती अफगानी, 2 मैच जीत के बहुत उछल रहा है भूतनी का, हमको बोलता के तमीज से बात करता भूतनी का, हम आज ऐसे ही तुमसे बात करता और मैच में भी हम तुमको बदतमीजी से छक्के ठोकता, तुम देखता। देखा राशिद खान भैया, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, 2 मैच हार गए फिर भी टैंग टैंग कर रहे हैं, तुम छोड़ो इनको समझाने को, आज का मैच भी हम ही इनसे जीतेंगे, इनको ठोकेंगे, फिर इनकी नानी की नानी याद आएगी, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे आज भी। अबे बस करो ससुरी वालों, कुछ नहीं होगा, 2 मैच थे जो आपने जीतने थे, जीत लिए, सीरीज आपके नाम हो चुकी, अब फालतू के सपने देखना छोड़ दो, आज हमारा बल्ला चलेगा, तीसरा तो हम ही जीतेंगे। अबे बस कर अब्दुल्ला शफीक, जीतने का लफ्ज बोलते हुए तुम्हारी जुबान भैया फंस रही है, तो ससुर के नाती में आज क्या जीतोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम आज भी शून्य पर आउट होगे, देखने का ये हमारा दावा है, हमारे गेंदबाज आपको आउट करेंगे। अबे बस कर ईमानुल्लाह गिरबाज के बच्चे, तेरा अब गुरगुरु निकालेंगे, आज सैम अय्यूब का बल्ला चलेगा, तुम अफगानियों की नानी याद आ जाएगी, तुम जो कुछ मर्जी कर लेना, आज कभी नहीं जीत पाओगे। अबे बस कर सैम अय्यूब के बच्चे, हमारे होते हुए तुम्हारा बल्ले से 1 रन भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें फारूकी ऐसी गेंद करेंगे, तुम्हारी नैया डुबो डालेंगे, तुम क्या, तुम्हारा कोई भी बल्लेबाज आज डबल फिगर में दाखिल नहीं हो पाएगा, ये हमारा दावा है। अबे बस करो अफगानिस्तानी, 2 मैच जीत के तुम बड़े बड़े दावे कर रहे हो, हर बात पे दावा कर रहे हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज वसीम का बल्ला चलेगा, ऐसे मार मार के ना तुम्हारे सारे दावे चकना चूर ना किए, तो हम भी पाकिस्तानी नहीं। ओ वसीम के बच्चे चुप कर, हमने पहले से ही ठान लिया था, ये हमारी होम सीरीज थी, यूई में खेला क्योंकि हमारा माहौल सही नहीं था, हमने ठान लिया था भैया 3-0 से ठोकना है, तुम जो कुछ मर्जी कर लेना, आज तो हम आपको फिर ठोकेंगे। ओ भाई साहब अफगानिस्तानी राशिद खान, बस करो अब रहने दो, 2 मैच आपने जीत लिए, तीसरा तो हम जीत ही लेंगे, टें टें मत करो, ये आज शाम को पता चल जाएगा, रात को भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो था, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।